सारा कुछ रेडी है और सब बंदे भी रेडी हैं अफ्तारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम हमारे सब देखने वाले, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक है और हमारे घर में सब ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेरा विलेज, जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जब पूरी बात करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो माशाल्लाह से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोगों से शेयर करते हैं कि हम अफ्तारी के लिए क्या क्या चीज़ बना रहे हैं। वैसे तो सोबे फरमा फैमिली में हर चीज़ हमने दिखाई है, लेकिन इसी ब्लॉग में भी हम दिखाते हैं और सुहाजने की रेसिपी मैं बना के रखा ही हूँ, वो भी आप लोगों से दिखाती हूँ कि वो कैसी बनती है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि फरमान और हसीब जब पकौड़े बना रहे हैं, रखता है पकौड़ों का थाल जब बन चुका है। माशाल्लाह वाह भाई वाह, आज तो मजे। हाँ जी, हमने आखिर बना ही डाला, जो आया था सामान पकौड़ों के लिए तो बनाना है तो था, रोजे तो अफ्तार करने है ना। हाँ सही बात है, सही बात है। हाँ जी, और ये खाली बना लिया। हाँ, ये जो बेसन बच्चा है ना वो, और ये सारा सामान आप उठा लो, ये पकौड़े अंदर रख दो फिलहाल और रास्ते हंसते दिखाओ, बाकी व्लॉग बनाओ। हाँ जी, आप सब ने तो नमाज पढ़ ली, मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, पढ़ ले नमाज। हाँ पढ़ ले, हसीब ने भी अभी नहीं पढ़ा होगा ना। हसीब आप भी पढ़ने जा रही हो? वो कहते मैं भी पढ़ने, हाथ में धो आई हो? कहाँ धोया है दिखाओ। हाँ देखिए, इसके ने हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, पाँव धो लिए। वाह भाई वाह, जाओ जाओ अब नमाज पढ़ो। जब कोई नमाज पढ़ता है ना तो इससे आना भी पढ़ने लग जाती है। हाँ जी माशाल्लाह, उसको भी शौक है ना। तो अम्मी से भी बातचीत करें, व्लॉग माशाल्लाह अच्छे से बनाती रहे हैं। हाँ इधर भी दिखानी है आपने लाजमी। हाँ जी, आज हमने सुहाजने की रेसिपी कैसी बनाई है। ठीक है अम्मी जान, आपने खुद चेक करना है कैसी बनी है जी। और ये पकौड़ वाला सामान जो है ये उठा लें, ताकि ये इधर फिर बिल्ले वगैरह या ये ना आ जाए। ये कढ़ाई उतार लो। हाँ जी, ये कढ़ाई उतारते घी जब ठंड। वो दुपट्टा जो खड़ा है ना मोटे वाला, उनके साथ। हाँ वो दुपट्टा खड़ा है, मनी हसी वो उतार लो। तो ठीक है, ये मैं पकोड़े वगैरह संभालती हूँ, रखती हूँ। ठीक है, कढ़ाई वगैरह उतारती हूँ। वो खड़ा है, वो देखिए, ये उतार के रख दो, जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे और डिब्बे में डाल दूंगी, पकौड़े वगैरह बनाते रहेंगे। ठीक है अच्छा, और ये सामान भी उठाती हूँ। और इधर इस्तियाना को देखे, वो नमाज पढ़ रही है बोरा लेके। इस्तियाना बोरा लेके नमाज पढ़ रही है। इसे नमाज पढ़ने देते हैं। और अभी हम चलते हैं, जैसे कि हमने बताया कि वो हमने बनाया हुआ है हांडी, तो हम वो हांडी दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारी हांडी जो है वो कैसी बनी है। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे हांडी दिखाने। तो भाभी जान रोटी पकाने की तैयारी में लगी हुई है और पीठ दे के बैठी हुई है। हाँ जी, लकड़ी तोड़ रही थी। लकड़ी तोड़ रही थी। हाँ जी। अच्छा, तो इसका ढकना लहा छोड़ो, सालन दिखा छोड़ो। माशाल्लाह, ये देखे प्यारे बहन भाइयों, ये हमारी जो है सुहाजने की रेसिपी। आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी, बहुत ही मजेदार और टेस्टी। भाभी जान आपको पसंद है? हाँ जी, ये तो हर किसी की पसंद ही होती है। हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हर किसी को पसंद है माशाल्लाह। हाँ, ये इधर होता भी नहीं है, देखिए अलीपुर से मंगवाया है। अभी भी 4 दिन हो गया, ऐसे शक्ल होगी जैसे किसी का हो। हाँ अम्मी जान, इसका ढकना बंद कर दे। हाँ जी, पहले स्पाइस व्हाइट कलर का होता है ना। हाँ जी। अच्छा, दूध निकाला है, फिर वो साकेब का दूध उबालना है ना, फिर उठेगा तो रोने लग जाएगा। तो सामान। हाँ वो उठाती हूँ। हाँ जी हाँ जी, माचिस दे दो। चलो ठीक है, ये लो माचिस। चलो ठीक है, मैं फिर सामान वो उठाती हूँ। हाँ रानू आ जाओ, ये कचरा बाहर फेंकाओ। चलो ये बाहर फेंक के आना। ये बकरियां नहीं खाती क्या? नहीं। अच्छा, ये नहीं खाती, अगर वो मटर वगैरह हो तो। हाँ हाँ, उनके छिल्ले गोभी मटर ये जो है। चलो ये ले जाओ बाहर फेंक के आओ। शाबाश, वो दरवाजा छोटा खोल के, फिर बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ है, फिर उधर से जाके वो दरख्त के नीचे फेंक के आ जाओ। जाओ अम्मी घास इकट्ठा करने जा रही है, बकरियों ने खा लिया। हाँ जी, पड़ा तो
बचा लेती है ना, फिर वो गधा को रख लेते हैं खा जाती है। जी जी और रकिया साकिब को झूठा दे रही है, साकिब पर डिप्टी कर रही है। समिया वहाँ छाँ पर बैठी थी। समिया रकिया, समिया का दुपट्टा कहाँ है? अंदर पड़ा है, पहनाया नहीं है, पहनाना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छा साकिब खान सोए हुए हैं। ओ ओ ओ ओ उठ रहा है, मैं बात ना करूं वरना उठ जाएगा। डाला ही हो इस्तियाना। चलो उसका समिया का दुपट्टा कहाँ है वो भी ले आओ, हैं लेके आ जाओ। हाँ और उधर सोबिया जो है वो बर्तन वगैरह धो रही है, जो अभी पकोड़े वाले थे ना वो भी। और भी सोबिया बर्तन धो रही हो? आज इनको पानी फेर नहीं दिया, आज फेर दे देते हैं। ये पानी रोजाना आएगा तो ये माशाल्लाह ताजे ताजे रहेंगे, तरोताजा दे देते हैं, है ना सोबिया? इनको पानी मैंने कहा फेर दे दे। हाँ जी आज फेर लगाते हैं, ये पानी जितना होगा तो ये सही रहेंगे। और ये फूल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा खिला हुआ है, ये बकरियों से बाल बाल बच जाता है। हाँ, बकरियां आती हैं इधर उधर से फलियां खा जाती हैं, मेरा फूल खड़ा रहता है। फूल पर उनका मुंह जाते ही हम पहुंच जाते हैं, भगा देते हैं। चलो सारा कुछ धो लो, प्लेटें स्लेटें धो लो, फिर जो है वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो सामान जो काटना है ना वो काटो, अफ्तारी की तैयारी करो। हाँ, वो भी काटना है। ठीक है, अभी माशाल्लाह सूरज भी खड़ा है। सेब और अमरूद एक साथ ही काट लो। अलग अलग जो है वो बर्तन में काट लेना ना, अलग अलग रखने चाहिए। सफाई करके आ गई हो? ये पैंप फ्री है, ये पौधों में पानी लगाना है, आज फिर सूखे पड़े हैं। हाँ रोजाना इनको पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये तरोताजा रहेंगे, होते रहेंगे। पैप हम खींच ले आते हैं और जानवरों को घास वगैरह अम्मी ने डाल दिया। ओहो कौसा तो अकेली रोटी पका रही है, क्योंकि सोबिया उधर मसरूफ है। रोटी ज्यादा नहीं पकानी, पता है क्या पकौड़े माशाल्लाह ज्यादा हैं तो कोई खाएगा नहीं। फ्रूट है, सुहांजना भी है साथ में। आज फिर ये भी अच्छी रेसिपी बनी है, इसके साथ भी बंदा राज के खाता है। चलो कोई बात नहीं। लड़के कहाँ गए? लड़के पता नहीं कहाँ चले गए, अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हैं? अबू जी तो दूसरे रूम में देख रहे थे, न्यू रूम में। मैं वही देख रहा था, सारी मिट्टी डाली है ना? नहीं हाँ वो उड़ रही है। अच्छा ये पानी वाला पैर जा कर ना सारे को अच्छी तरह पानी लगा देना, वो जम जाएगी। हाँ सुबह लगा देंगे, सुबह चार पाई सुबह सुबह लगा लो ना, फुल तार करके दोपहर तक फिर सूख जाएगा, पक जाएगी सारी। हाँ ले आते जाते हैं फिर वो पैरों से पक जाएगी, ठंडक भी रहेगी। फिर चार पाई ना मस्त कर डाल दिया ना, तो नीचे सीवी लग जाएगी, सीवी भी लग जाएगी। इसको ना बाहर निकाल के चार पाइयों को इसको मिट्टी के ऊपर पानी लगाओ, जब पक जाएगी फिर ईंटे नीचे रख के चार पाइयों ऊपर रखो। हाँ सुबह निकालेंगे फिर डालेंगे चार पाया। तो अभी नहीं हो सकते, फर्श होते हैं तो फिर सीवी नहीं लगती। हाँ कच्ची मिट्टी है ना, कोई चीज भी रखे ना दूसरे दिन वो लगी होती है। हाँ सीवी लग जाती है। हाँ। तो इसीलिए ना कब से डाली है, ये बाहर निकाल के साफ करके पानी लगा के फिर इनके रख के अंदर डाल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके रूम को, आपका रूम है, आप तो देखभाल ही नहीं करती हो, देखते भी नहीं हो। फ्री नहीं होती, सारा दिन फ्री ही बैठी रहती हो। नहीं फ्री बैठती, मैं काम वाली बच्चड़ी हूँ। हाँ बच्चड़ी हो। हाँ जी काम वाली बच्चड़ी है।
हाँ बछड़ी है। हाँ जी सोबिया अभी दूध उबाल रही है। हाँ अभी साके का दूध उबाल रही हूँ। हाँ जी दिखाई थी। हाँ जी हाँ जी दिखा दी है। बहुत अच्छी बनी है। हाँ जबरदस्त बनाई है। सब बहन भाइयों ने बताना है कि हाँ जी कैसी लगी सुहाजी की। हाँ जी क्या रोटी रख देंगे अफतारी के टाइम। रोटी हाँ नहीं नमाज का टाइम चुक जाता है ना। हाँ ये यही मैं बात कर रहा था कि फिर तो नमाज का टाइम फौरन पानी पीना फ्रूट खा लेना फिर नमाज पढ़ के नमाज के बाद खाना खा के फिर हाँ जी नमाज का टाइम हो जाएगा। हाँ क्योंकि नमाज पढ़नी होती है ना बाद में खा लेंगे नमाज पढ़ के तसल्ले से बैठ के या मुर्गियों को भजाओ। और इस्तियाना ने भी इधर पकाना शुरू कर दिया। देखे तवे पे कपड़े जैसी रोटियाँ जल्दी पकाओ फिर इधर वो तरपाल बिछाओ। अम्मी को बोलो उसको बोलो 40 मिनट बाकी हैं। पानी बनाते हैं और समिया को भी ले आते हैं इधर। हाँ रात ही मैं अंदर बिठा दिया आज नहीं बिठाया। सब सबके साथ बिठाना है और सबके लिए दुआ करनी है आज इंशाल्लाह हमारे सब देखने वालों के लिए। क्योंकि आपके सामने अभी अभी अम्मी जान के भी कॉल आई है कि वो भी बीमार रहती है ना हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वे रोज़े भी आ गए हैं और फिर भी उनको रोज़े के साथ भी डेली हॉस्पिटल में दवाई वगैरह लेने इस तरह। हाँ जी जल्द अपने नेक महीने सदके में कुछ शफा दे। आमीन ठीक हो जाए आत्मा हो जाए। आमीन तो स्पेशल दुआ के लिए कह रही थी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ उधर बैठ के दुआ करेंगे सबके लिए अल्लाह पाक से याद दे सबको। तो फ्रूट वगैरह काटो शुरू करो। हाँ आपकी अम्मी अल्लाह पाक उसे शिफा दे। आज जब हम रोजा इफ्तार करेंगे ना तो दुआ करेंगे अम्मी के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे तो हर किसी के लिए करते हैं। कल भी की है मैंने। कल मैंने खामोशी में की थी सबके लिए की थी। तो ऐसा होता है ना कोई बहन भाई बोलते हैं हमारा नाम ले सब बहन भाई हमारा नाम ना ले। हम ऐसे का नाम हम हमें आता ही नहीं है। हाँ ऐसे ना दिल में काट देते हैं सब बहन भाई के लिए दुआ करते हैं। हाँ लेकिन किसी का नाम नहीं आता हो जब खुद नाम बता लेते हम उनका नाम ले हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसे ही दुआ करेंगे ना जैसे कल की है। तो इंशाल्लाह मैं सबके लिए कर दूंगा ठीक है। हाँ जी कर देना सबके लिए दुआ। मैं भी साके का दूध ठंडा कर रही हूँ फिर इसको ना रख देंगे अंदर फिर हम वहाँ पे अफ्तार करने रखते हैं तो ये दूध यहाँ पे पड़ा रहे तो फिर दिल्ली ना पी जाए। हाँ हाँ ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे ठीक है और माशाल्लाह जिसका हमें इंतज़ार था वो होना शुरू हो गया है। ये देखें खरबूजे वगैरह सारा कुछ ले आई है धोआई हो ना ये ऐसा कलर है इनका। अच्छा ये देखें जी ये है खरबूजे आज खरबूजे और क्या कहते हैं अमरूद हम ये चीज़ें लेके आए हैं। ये भी काट रहे हैं ये फिर अलग काट लेना ना खरबूजा ठीक है। हाँ ये इधर काट रहे हो खरबूजा उधर काट रहे हो। हाँ अमरूद अलग और खरबूजा अलग फिर इंशाल्लाह। हाँ वो कितने किलो आजकल दे रहे हैं कि मैं ये 150 रुपए। अच्छा इनका पता नहीं है ऐसे ही ले आए। चलो कोई बात नहीं। तो कल मैंने भावलपुर से पूछा खरबूजे का रेट 250 रुपए बताया। मैं फिर बैग मैंने कहा चल बेर ले लेते हैं। बेर 120 रुपए किलो थे वो ले आया था। मैंने कहा 500 के 2 किलो लें तो इतने से भी नहीं आएंगे। चलो आज आपको सस्ते मिल गए क्योंकि ये वो अच्छे वाला माल नहीं है ना। मैंने तो अच्छे वाला पूछा था कि मीठा भी हो। वो टिब्बी पर यही रखे थे। टिब्बी पर गए थे इधर चक में नहीं थे। नहीं कुछ भी नहीं था। क्या वजह रमजान शरीफ में भी नहीं ले आया हाजी साहब। हाजी साहब को बोलते रमजान शरीफ है आप तो ले आओ। अच्छा आप तबीयत बेहतर हो गई। सुबह इंशाल्लाह रेडी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हो रहा है और हो रहा है। चलो चलो देओ देओ चलो देओ देओ अभी ध्यान दे रहा है।
आज सभ्या क्या कर रही हो? ये मुझे तो मैं काटती हूं। साकेब को उठाओ, ये रो रहा है। समिया को भी अम्मी ले आए। तरपाल तो बिछाया नहीं? अभी कुर्सी पर बिठाती हूँ, जब बिछाएंगे ना। हाँ, कुर्सी पर बैठेगी। चलो बिठा के दिखाओ। बट्ठल ले आओ, मम्मी बट्ठल ले आओ। बट्ठल क्या होता है? ये छिलके डालेगी खाली। चलो समिया को कुर्सी पर बिठा रही है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ कुर्सी पर, बैठ जाओ। अभी इफ्तारी का इंतजाम करना है। थोड़ी पीछे हो जाओ ना, पीछे हो जाओगी। चलो अभी आप पानी बना लें। पानी बनाती हूँ, पहले ऐसा करें, एक बोतल शरबत दे दो, खजूरें का ढाक ले ढाक उधर दे हैं खाला के घर। वो ले बोला था जो मैं ले आया था कल, वही वाली बोतल उधर दे देंगे। अरे वो डालते हैं आप, जेरी भी दे दो, टाइम होने वाला है। मैं ये बता रही हूँ, शरबत के बोतल ले आओ। नहीं कल आपके सामने मैंने एक गिलास पिया था ना, हालांकि पूरा दिन की प्यास, एक गिलास। हाँ जी चलो भाई। अभी उसको पता है कि मेरी मम्मा फ्री हो रही है, फ्री हो रही है मुझे उठाने के लिए, हाकिम को उठाने के लिए, गंजू को उठाने के लिए। चल मुनीब वो ले आओ तरपाल, इधर बिछा दो, बैठ जाओ। इंतजार करना भी सवाब है, इंतजार करना भी सवाब है। जितना इंतजार करोगे ना बैठ के दस्तरखान पर, वो भी सवाब का काम है। अस्तगफार पढ़ते रहो, दुआएं मांगते रहो अल्लाह से, जितना दुआएं मांगोगे कबूल होंगी। माशाल्लाह, ये देखें पकोड़े भी हम लेके आ चुके हैं। ये क्या हो गया, घास का कोई टुकड़ा है। अच्छा तो ये देखें, ये है खरबूजा, सारे प्लॉटों में काट के हमने रख दिया है। और अमरूद भी है, ये मतलब हमने काट के इंतजाम कर लिया। उधर बन रहा है पानी, पानी अम्मी जान बना के ले आएंगी, फिर इधर लाइन में बैठेंगे दोनों तरफा, फिर सेंटर में रखेंगे। जैसे कि हमारा कल इंतजाम था माशाल्लाह, आज पकौड़े भी साथ हैं, कल तो फ्रूट और खजूरें थी। हाँ खजूरें भी ले आओ, खजूरें याद आ गई है, भूल ना जाए। नहीं मुझे खड़ा कर गया, दिखा भी रहा हूँ और ख्याल भी कर रहा हूँ। दो सबको दो दो तीन तीन आ जाएं। दो दो दाने गिन के रख लिया करो। पता है कौन कौन है, कितने बंदे? नहीं कोई तीन खा जाता है कोई। कल भी एक एक हमने खाई, आप दोनों ने मिलकर खाई खा गए। नहीं मैंने तीन खाई थी कल। दो दो दाने सब के पूरे, चलो दो दो दाने बस। हाँ ठीक है, रख दिया और बस आज निजाम पूरा, और पानी रखना है अभी। हाँ पानी यार, एक दिन थोड़ी है सब कुछ खाने के लिए, पूरा रमजान है ये खाने में। तो फिर पैकेट ले आओ जितने भी हैं सारे एक साथ खा जाओ। नहीं नहीं बस वो कह रहे ना कोई तीन भी खा लेता यार। नहीं दो दो ही खानी है बस, कोई सगी का कोई मतराई का। आ जाओ बैठो, सब बैठ जाओ। हाँ जी बैठते हैं, दुआ भी करा लेते हैं टाइम से। हाँ जी नहीं हम इंतजार करेंगे ना, तो खुश होता है कि मेरे बंदे ना इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी चलो सेटअप बना लो, बना लो थोड़ी देर। माशाल्लाह ये देखें हमारा इंतजाम जो है हो चुका है, सब पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कुछ रेडी है और सब बंदे भी रेडी हैं इफ्तारी के लिए। और ये दूसरी इफ्तारी का इंतजाम है माशाल्लाह। आज बस 10 मिनट रह गए, इंतजार में बैठे हैं। हाँ जी इंतजार अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। जी जी इंशाल्लाह। एक हदीस शरीफ पढ़ी है कि अल्लाह पाक इस वक्त जब बंदे इंतजार में बैठे होते हैं ना, हाँ जी सारा कुछ सामने रख के जी, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को बुलाते हैं। हाँ जी सारे मेरे पास जमा हो जाओ, सारे फरिश्ते आ जाते हैं। हाँ जी तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप कहते थे कि इस इंसान को क्यों बना रहे हैं, हम इबादत के लिए कम हैं, मुझे इंसान की ये चीज पसंद है, मेरे हुक्म के इंतजार में बैठे हैं। हाँ। जब तक मेरा हुक्म नहीं होगा ये किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
चाहे लाख चीजें आगे रखी रहे, लाख चीजें चाहे जितनी अच्छी अच्छी चीजें हो ना, हाँ, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा कोई भी हाथ नहीं लगाएगा ना कोई खाए पिएगा जी। अल्लाह पाक बहुत खुश होता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, दुपट्टा पहना लो। और दुआ करते हैं आज जो हमारे देखने वाले ना सब बीमार है ना, अक्सर दुआ के लिए कहते हैं, तो ये जो है मौका कबूलियत का होता है ये वक्त। हाँ जी, तो इस वक्त जो हम दुआ करेंगे अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा, तो सब मिलकर दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन व अला आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے الہ العالمین ہم نے یہ افطاری کا انتظام کیا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور فرما، یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ خاص طور پر ہمارے جو ویڈیو دیکھتے ہیں یو کے سے ہیں، امریکہ سے ہیں، ہمارے امی ابو اور پھپھو اور باقی بھی جتنے بھی نام نہیں لے پاتا میں اتنے، تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ قبولیت کا وقت ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے مال رزق جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں جتنے بھی مشکلات ہیں آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں بھی بیمار ہیں، معذور ہیں، اور ہمیں خود بھی یہ جو مسئلہ ہے پٹھوں والا، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری بھی سن لیں، اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، یا اللہ اپنے رحم کے فضل پہ اور غیب کے خزانوں سے ہمارے پاکستان پہ رحم فرما، اور غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔